दोस्तों, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां कोई भी रेलवे का कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता है। ये रेलवे स्टेशन का नाम है रहुई रोड। रहुई रोड रेलवे स्टेशन राम भरोसे चल रहा है। ये रेलवे स्टेशन बिहार राज्य के नालंदा जिले में पड़ता है। तो इस रेलवे स्टेशन की जांच पड़ताल करते हैं। ये बख्तियारपुर राजगीर गया रेलखंड है, जो कि सिंगल रेलवे लाइन है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 1960 में इस रेलवे लाइन को बिछाया गया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है। 6 पैसेंजर ट्रेनों का अप डाउन, कुल मिला के 12 ट्रेनों का यहाँ ठहराव है, पैसेंजर ट्रेनों का। और ये रेलवे स्टेशन अपनी बदहाल ज़िंदगी में जी रहा है। आप देख सकते हैं, प्लेटफार्म की ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं है। लोग ट्रेन से उतरते हैं, घायल भी हो जाते हैं। तो भारत सरकार, रेल मंत्रालय से, पीयूष गोयल से मैं ये कहना चाहूँगा, आप मॉडर्न स्टेशन के बारे में बोलते हैं बार बार, थोड़ा इस स्टेशन को भी आप देख लीजिए। यहाँ से श्रमजीवी सुपरफास्ट गुजरती है, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस गुजरती है, बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं, पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं। और ये स्टेशन आप देखिए, अपने बदहाल ज़िंदगी पे रो रहा है। देखिए, स्टेशन की जो प्लेटफार्म की ऊंचाई होनी चाहिए, नहीं है। बैठने के लिए सीट देखिए क्या है, हैंड पाइप तक नहीं है। आइए शौचालय आपको दिखाते हैं। ये शौचालय है, शौचालय में कोई जाता भी नहीं है। देखिए, जंगल झाड़ उगा है। इस शौचालय में देखिए, दरवाजे तक भी नहीं है, देख लीजिए। ये है रोही रोड रेलवे स्टेशन, छोटा सा हॉल्ट है। ये रेलवे की सुविधाएं हैं। रेलवे तो आपसे पूरा पैसा लेता है, लेकिन सुविधा आपको थोड़ा भी नहीं देता है। देख लीजिए, ये स्टेशन है। टीन शेड आप देख सकते हैं, इस रेलवे स्टेशन का टीन शेड। अब यहाँ पे यात्री अगर बैठे हों, बारिश हो रही है, तो कैसे बचेंगे बारिश से? ये देखिए, टीन शेड, जर्जर अवस्था में ये टीन शेड है। पीयूष गोयल जी, थोड़ा आप इस स्टेशन को भी तो देखिए। आप बार बार मॉडर्न स्टेशन के बारे में बोलते हैं। ये देखिए, ये है रवि रोड का प्लेटफॉर्म, बैठने के लिए सीट, और ये टीन शेड। देखिए पीयूष गोयल जी, आप रेल मंत्री हैं, बहुत भोगते हैं जनता के सामने कि हम ये कर रहे हैं, रेलवे के क्षेत्र में ये विकास कर रहे हैं। क्या यही भी आपका विकास है? आप चलते हैं भवन के अंदर, जो रहुई रोड स्टेशन है। अब इसके भवन के परिसर में चलते हैं। ये देखिए, ये रेलवे का चार्ट था कि कौन ट्रेन कितने बजे आएगी। ये नोटिस बोर्ड है, आप ये देख लीजिए, कितनी जर्जर अवस्था में। ऊपर देख लीजिए, ये छत न जाने कब गिर जाएगा। इतनी जर्जर अवस्था में ये रेलवे का जो परिसर है, अंदर का भवन, ये देखिए, ये रही रोड रेलवे स्टेशन का ये हाल है। कितनी जर्जर अवस्था में इसकी छत है। खिड़की तो है, इसमें चौखट और खिड़की के पल्ले नहीं है, लकड़ी के जो पल्ले होने चाहिए, देखिए ये नहीं है, चौखट तक भी नहीं है इसमें। देखिए कितनी जर्जर अवस्था में, टूटा हुआ है ये भवन, न जाने कब गिर जाएगा। जर्जर भवन तो आपने देख लिया। आप देख लीजिए, आपको कहीं रेलवे का कर्मचारी कोई दिख रहा है इस जर्जर भवन में? आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, छत भी दिखा दिया हमने, रेलवे परिसर का छत, जो भवन है। ये खिड़की है, खिड़की में देखिए लकड़ी के पल्ले गायब हैं। ये देखिए, टाइम टेबल है रेलवे का, समय सारणी। ये देखिए कितनी जर्जर अवस्था में, लग रहा है वर्षों से यहाँ ट्रेन की टाइमिंग नहीं लिखी गई है। ये है टिकट काउंटर, ये है टिकट काउंटर, लेकिन टिकट देने वाले का कोई अता पता है नहीं। अंदर से भी इसकी जांच पड़ताल करेंगे। ये स्टेशन के बाहर का सीन है, देखिए खेत खलियान सब देखिए।
ये देखिए बाहर से ऐसा भवन दिखता है, रवि रोड। अब हम जहाँ टिकट कटता है उस रूम के अंदर चलते हैं। देखिए ये दरवाज़ा है मेन एंट्री करने के लिए, लेकिन इसमें दरवाजे के जो पल्ले होते हैं लकड़ी के वो गायब है। अब हम इस भवन के अंदर आ गए हैं। देखिए ये टिकट यहाँ रखा जाता था देने के लिए, लेकिन इसमें टिकट भी नहीं है, न इसमें कोई सुरक्षित करने के लिए लकड़ी के खाने बने हुए हैं। दरवाजे टाइप के देखिए खाली है, और जो टिकट देने वाले जो कर्मचारी हैं वो गायब हैं। देखिए ये जर्जर भवन, यहाँ टिकट देते हैं स्टेशन जो टिकट देने वाले कर्मचारी हैं रेलवे के, और यहाँ बिजली का बोर्ड लगा हुआ था, देखिए सब उखाड़ ले गए, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, और स्टेशन मास्टर भी नहीं है यहाँ पे। आप देखिए ये भी भवन जर्जर भवन है। देखिए कोई कह सकता है कि ये रेलवे स्टेशन है? यहाँ पे इंसान आपको नहीं देखेंगे, आपको यहाँ पे भूत प्रेत यही सब आपको यहाँ नजर आएंगे, इंसानों से कोई मुलाकात आपको नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितना वीराना ये पड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन। आपको इस रेलवे स्टेशन के चारों ओर हमने घूम के दिखाया, कहीं भी आपको हैंड पाइप नहीं दिखा होगा, ना ही शौचालय दिखा होगा। देखिए अब देखिए अब हम आ गए स्टेशन के बाहर, भवन से बाहर आ गए हैं। देखिए ऐसा दिखता है रोही रोड हॉल्ट। तो रेलवे को इस पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत में एक ऐसा स्टेशन भी है जहाँ कोई भी रेलवे कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता, फिर भी यहाँ ट्रेनें रुकती हैं। 12 ट्रेनों का ठहराव है यहाँ पे, और यहाँ से बताइए महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती हैं, श्रमजीवी सुपरफास्ट नई दिल्ली से चल के राजगीर को जाती है, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस जो कि बनारस से राजगीर जाती है, ऐसी ऐसी प्रमुख ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं इस रेलवे लाइन से। लेकिन सरकार जो कि ध्यान नहीं दिया इस रेलवे स्टेशन का। तो पीयूष गोयल जी आपसे नम्र निवेदन है कि इस स्टेशन पे ध्यान दीजिए, यात्री सुविधाएं बढ़ाइए। यहाँ पे न शौचालय की सुविधा है, न हैंड पाइप है, न टिन शेड है, तो टिन शेड और प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाया जाए। आप सभी को यही दिखाना था कि भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ कोई भी रेलवे कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता। तो आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं इस रेलवे स्टेशन पे आया, तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।